नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल लीडर ए सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। ये ऑर्डिनेंस ला के अपर हाउस में जब हमारे एमएलसी एक एमएलसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे उनको बहाना मिल गया और वहाँ से सीधा सीधा गवर्नर से उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवाया और चोरी से कानून लेके आए। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी इसमें बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ अपने कुरैश कमेटी के साथ। मैं हमारे जितने भी एमएलसीज हैं उन सारे एमएलसीज को रास्ता करवा रहा हूँ। वी आर प्रोवाइडिंग एंड प्रेजेंटिंग द मेमोरेंडम टू द एमएलसीज ऑफ जेडीएस एंड वेरी सून विद इन 2-3 डेज मंगल या चाशुंबे में मैं अपने कुरैश कमेटी, कुरैश बिरादरी और फार्मर्स बिरादरी को देवेगौड़ा साहब से मिलाने वाला हूँ ये मेमोरेंडम प्रेजेंट करने। और आगे आने वाले दिनों में देवेगौड़ा साहब का स्टैंड, कुमार स्वामी साहब का स्टैंड और हमारी पार्टी का स्टैंड वेरी स्ट्रांग इस बिल के अगेंस्ट रहेगा और हम लोग फार्मर्स के और कुरैश कमेटी के साथ और जो भी इसके खिलाफ है उन सब के साथ हम लोग खड़ के इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह। ये मेजॉरिटी इसमें जो हिट होने वाला है वो फार्मर्स को है, बिकॉज फार्मर्स इज द मेन हु प्रोवाइड द सीड। दे वही हैं जो बाज़ार में, मार्केट में लेके आके बेचने वाले भी वही हैं और पालने वाले भी वही हैं। हर चीज़ अगर देखा जाए तो रिलेट इट डायरेक्ट टू फार्मर्स। लास्ट अटेम्प्ट आएगा ये कुरैश कमेटी का, तो इसमें मेजॉरिटी हिट होने वाला है फार्मर्स को। तो वेरी सिंपल, जब देवेगौड़ा साहब फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली वी आर ऑन द साइड ऑफ फार्मर्स। क्यों? ये कानून ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हुआ है, अपर हाउस में फिर से दोबारा ले आएंगे। अपर हाउस में हमारी मेजॉरिटी जो कि जेडीएस और कांग्रेस की मेजॉरिटी होने के रीज़न से वहाँ से फेल हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर से रैयतों को, फार्मर्स को और कुरैश कमेटी को जैसा उनका बिजनेस चल रहा था वही इंशाल्लाह चलेगा। बहुत मंदे हैं बिकॉज दी काउ एक वीक में जो 500 से भी ज़्यादा बैल जो मार्केट में बिक रहे थे वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं और खुद के खाने के लाले हैं, तो गाय बैल को वो कहाँ से खिलाएं। तो वेरी सून यू विल कम टू नो दी ह्यूज फार्मर्स प्रोटेस्ट विल बी अनाउंस्ड एंड वी विल ज्वाइन दैट प्रोटेस्ट इंशाल्लाह। सर ये सभी सियासी खेल हैं, ओके? सियासी पार्टियाँ पुख्ती करने के लिए, ये जानवर तो जानवर लोगों को मारने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे। आप शायद देख सकते हैं रैयतों का मसला दिल्ली के अंदर, उनको मारा जा रहा है, उन पर लाठियाँ चल रही हैं, बहुत सारा जुल्म हो रहा है। उसी तरीके से यूपी के अंदर जो पहले मॉब लिंचिंग हुई है एक बैलकशी को, गौकशी को लेके, सिमिलरली यहाँ पर भी गाय के नाम पे लोगों को और सिर्फ लोगों को मारने के चक्कर में रहेंगे लोग भी। आने वाले दिनों में अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहुत ही बुरी तरीके के हालात पैदा हो जाएंगे। उसी के लिए मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी इस मीडिया में हमें देख रहा हो या सुन रहा हो, तो रिक्वेस्ट कभी भी कहीं भी ऐसा अगर प्रोटेस्ट अगर अनाउंस हो, साइलेंट प्रोटेस्ट, तो आवाम को भी जुड़ना चाहिए। क्यों? आवाम हम लोग ये नहीं समझें कि इससे हमारा नुकसान नहीं है, आने वाले दिनों में कहीं हमारा बच्चा इसमें मारा ना जाए। तो इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए सारे एकजुट होकर किसानों का, रैयतों का और जितने भी इस कारोबार में जुड़े हुए उन सब लोगों का हमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। सर जेडीएस इस कानून के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब कुमार स्वामी साहब ने और देवेगौड़ा साहब ने वेरी क्लियरली प्रेस मीट करके प्रेस रिलीज किया है कि वी स्टैंड अगेंस्ट दिस बिल, तो ख़त्म हो गई बात वहाँ पर। तो इसमें कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं। अगर आप बात करें जो अपर हाउस चेयरमैनशिप की, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये पॉलिटिकल पार्टी अगर आप देखा जाए तो SDPI को गिरा दिया गया, आम आदमी, आप और कांग्रेस, ये सब उभरने के लिए और लोकल पार्टी जो हमारी कर्नाटका स्टेट में है JDS है, इसको डाउनग्रेड करने के लिए और मुसलमानों के वोट बैंक खाने के लिए इसे भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो मैं क्लियरली अपने भाइयों को, मैं जो भी आपके मीडिया के थ्रू सुन रहा है उनको मैं ये बोलना पसंद करूँगा कि वी आर ऑलवेज विद द पुअर और वी आर ऑलवेज विद द, जहाँ पे तकलीफ है वहाँ पे हम लोग कभी भी स्टैंड लेके खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।